अल्लाह हाँ चल गए। नहीं बस वो गरम था बहुत ज्यादा। तो मीना तुम ठीक हो ना? जी जी श्योर? जी जी तुम रहने दो मैं खुद ही कर लेता हूँ सारा कुछ। आप सर हाथ छोड़ेंगे मेरा? घर में जवान बहन है भाई, ये हरकतें अपने कमरे में किया करो। खाना बाहर से मंगाया है? जी अम्मी, वो आपकी तबीयत खराब हो गई थी इसलिए किसी ने भी ठीक से खाना नहीं खाया। रूमी परेशान हो रही थी इसलिए सबके लिए खाना ऑर्डर कर दिया, और उसी जगह से जहाँ का खाना आपको बहुत पसंद है। मेरी पसंद नापसंद को छोड़ो भाई, मजबूरी का नाम शुक्रिया वाली बात है ये, वरना घर के खाने का तो कोई मुकाबला नहीं। चलो जुनू बैठो, थोड़ा बहुत खा लो वरना भूखे पेट नींद नहीं आएगी। नहीं आंटी बस आज सॉरी, अब कल से नहीं होगा, मैं प्रॉमिस कल से ठीक से बनाऊंगी। अरे बेटा कल की कल देखी जाएगी, आज तो जो है उसकी फिक्र करो। चलो किसी ने भी खाना नहीं खाया, बैठो तुम खाना खाओ। आ जाओ शाबाश। और वो कहाँ है माहीन और नबील को भी बुलाओ। उनको बुलवाया। हसीना बर्तन ले जल्दी से। नबील बैठो बेटा बैठो। हाँ भाई आप बैठिए। माहीन आ जाओ आगे, वो भी आ जाओ। नबील तुम्हारे रमी की पसंद के रेस्टोरेंट से खाना मंगवाया, आ जाओ खाना खा लो। हसीना भाई बर्तन लाओ। रूमी आओ बैठो बैठो। रूमी बेटे माहिन के लिए या तो आप खाना ले जाना ऊपर या फिर हसीना को भिजवा देना। जी अंकल मैं कह दूंगी। ले आओ भाई बर्तन। ऐसे क्या देख रहे हैं? यही कि तुम हंसती हुई कितनी अच्छी लगती हो। तो मैं बस आपको हंसते हुए अच्छी लगती हूँ? ऐसा तो नहीं है। जब तुम उदास होती हो ना तो लगता है जैसे सारी दुनिया ही बेरंग हो गई। बहुत गहरी बातें करते हैं आप। मोहब्बत जितनी गहरी हो बातें उतनी ही गहरी हो जाती हैं। गहरी मोहब्बत इतनी जल्दी? क्यों मोहब्बत होने में वक्त ही कितना लगता है, सिर्फ एक लम्हा ही तो चाहिए होता। मोहब्बत की शिद्दत उसकी गहराई वक्त के साथ खुद बहुत बढ़ती जाती है। क्यों तो सर मुझे तो आपकी लाइफ में आए ज्यादा टाइम नहीं हुआ। इस घर में आए चाहे ज्यादा वक्त ना गुजरा हो मगर मेरी जिंदगी में मेरे दिल में बहुत पहले की आ चुकी थी। मान लिया। तो फिर ये बताओ कि तुम्हारे दिल में मेरे लिए कितनी मोहब्बत है? मुझे नहीं पता। क्योंकि मोहब्बत हमेशा इजहार के लफ्जों की मोहताज होती है। मैं चाहता हूं कि जिस शिद्दत से मैंने तुम्हें चाहा है तुम्हारी जिंदगी में भी मेरे लिए इस जज्बे की वही शिद्दत हो। ऐसे नहीं देखे ना मुझे प्लीज। अरे भाभी आइए प्लीज अंदर आइए। कैसी हो तुम? और असद भाई कहाँ? असद बाहर किसी काम से गए, आते ही होंगे। आप आए ना प्लीज बैठे। आइए आइए। वैसे मैं तो रात ही तुम्हारे पास आना चाह रही थी लेकिन असद भाई की वजह से मैं नहीं आई। मुझे लगा कि ये ठीक नहीं होगा और मैं ये सोच रही थी कि तुम परेशान होगी
थोड़ी देर तुम्हारे पास बैठकर तुम्हें तसल्ली दे दूं। परेशान किस बात पे? रात जो कुछ भी तुम्हारे साथ हुआ, बल्कि शादी के फौरन बाद से जो कुछ भी हो रहा है, मैं तो जैसे तैसे बर्दाश्त कर रही थी, लेकिन तुम्हारे बारे में मुझे बहुत बुरा लगा। कोई बात नहीं भाभी, हर घर में छोटी मोटी बातें हो जाती हैं। हर घर में नहीं, इस घर में ज्यादा है, बल्कि बहुत ज्यादा है। मैं तो तुम्हें बस खबरदार करने आई हूँ, खुद को साबित करने के लिए हलकान मत होती रहना। जो जैसा चल रहा है चलने देना। देखो, तुम कुछ भी कर लोगी ना, आखिर में तुम्हें जिल्लत ही मिलेगी। बड़े नाशुक्र हैं यहाँ के लोग। अब देखो, रात इतना भी बुरा खाना नहीं था, इतना बड़ा तमाशा था। नहीं भाभी, गलती मेरी थी। मैंने जब खाना चखा तो पता चला मुझे कि खाने के काबिल ही नहीं था। हाँ ठीक है, लेकिन दिल रखना भी तो कोई चीज है ना, जो यहाँ के लोगों को नहीं आती। इसीलिए मैंने इन मामलों से दूर होकर अपने आप को अलग कर लिया। और तुम्हारी शादी का भी वक्त ही कितना हुआ है, और आंटी ने तुम्हें किचन में भेज दिया। भाभी इससे क्या फर्क पड़ता है, आंटी तो मेरी मामा की तरह हैं और उनके लिए कोई भी काम करती हूँ तो मुझे खुशी होती है। लेकिन उन्हें कोई खुशी नहीं होगी, चाहे तुम कुछ भी कर। सॉरी व्हाट? सास और माँ में बहुत फर्क होता है, और ये बात तुम्हें बहुत जल्द पता चल जाएगी। तुम बहू हो, बहू बनकर रहना, बेटी बनने की कोशिश मत करना। अच्छा मैं जा रही हूँ, कोई देख लेगा ना मुझे, फजूल में तमाशा लग जाएगा। ओके बाय। अच्छा बेटा तुम नमाज पढ़ रही हो, मैं फिर आ जाऊंगी। नहीं नहीं आप प्लीज बैठिए, मैं पढ़ चुकी हूँ नमाज। मैं एक्चुअली आपकी तबीयत का पूछने आने ही वाली थी। क्यों, मैं अपनी बहू के कमरे में नहीं आ सकती क्या? बिल्कुल आ सकती है। कैसी तबीयत है अब आपकी? और मुझे सॉरी भी कहना था, मेरी वजह से आपकी इतनी तबीयत खराब हुई। नहीं नहीं कोई बात नहीं, वो दरअसल मेरा बीपी हाई हो जाता है ना, तो फिर मैं ओवर रिएक्ट करने लगती हूँ। हालांकि ऐसी कोई बात नहीं थी जिस पर मैं इतनी जज्बाती हो जाई। बाद में मुझे एहसास हुआ कि तुम्हारा दिल दुखा होगा। नहीं आंटी, ऐसी कोई बात नहीं है, और मेरी पूरी कोशिश होगी कि आइंदा ऐसी कोई गलती ना हो। बल्कि आपको पता है, मैं तो बस अभी किचन ही जाने वाली थी आपके लिए कुछ अच्छा बनाने। देखो बेटा, ये जो मेरा चिड़चिड़ापन है बिला वजह नहीं है। इस घर की फिक्रों और परेशानियों ने मुझे ऐसा कर दिया। मैंने सोचा था कि बड़ी बहू घर आएगी, अपनी जिम्मेदारियां संभाल लेगी, मैं बेफिक्र हो जाऊंगी, क्योंकि क्योंकि ये माहीन तो इस घर को अपना घर समझती नहीं। तुम समझ रही हो ना मैं क्या कहना चाह रही हूँ? जी आंटी। बस बेटा, तुम इस घर की बड़ी बहू, मुझे तुमसे बहुत उम्मीदें हैं कि तुम इस घर की सारी जिम्मेदारियों को बहुत अच्छे से संभाल लोगी। देखो तुम मुझे मायूस मत करना। जी आंटी, मेरी तो पूरी कोशिश होगी कि आपको कोई शिकायत का मौका ना मिले, लेकिन मुझे आपकी सपोर्ट और आपकी गाइडेंस की बहुत जरूरत होगी। क्यों नहीं बेटा, क्यों नहीं? तुम्हें अगर कोई भी बात समझ ना आए, कोई काम समझ में ना आए, तो तुम बिला झिझक मुझसे पूछ सकते, क्योंकि तुम मेरी लाडली बहू हो, अपनी पसंद से ब्याह कर लाई हूँ तुम्हें मैं। कोई भी काम हो ना, तुम बिला झिझक मुझसे डिस्कस कर सकती हो। हाँ सो मच आंटी,
आप मुझे ये बताएं कि मैं आपके लिए क्या बनाऊं। अच्छा बेटा बता देती हूँ, तुम आ जाओ ना किचन में, फिर बताती हूँ। तो बहुत देर से आया हुआ हूं और आप इन चीजों में इस तरह खोई हैं कि मुझ पर ध्यान ही नहीं गया आपका। ऐसे कितनी खुशनसीब हैं ये चीजें कि मैं आपको। नहीं 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 असद प्लीज हाथ मत लगाएं, मैंने बहुत मुश्किल से इकट्ठी की है, वापस रखो प्लीज प्लीज। अच्छा ठीक है, लेकिन ये सब कर क्यों रही हो, किसने कहा है करने को? नहीं बस मैं एक ट्राई और करना चाह रही थी। मैं हेल्प करूं? जी जी बिल्कुल आप मेरी हेल्प करें। आप एक काम करें, आप अपने रूम में जाएं और आराम करें। हाँ लेकिन मैं कह रही हूँ आप जाएं, जाएं। All the best. Thank you. कोई गलती नहीं करनी है, सब कुछ ठीक होना चाहिए, परफेक्ट। जी अंकल। बेटा ये सब क्या है? रूमी बेटा ये क्या है? रूमी ये क्या वजह बना रखा है तुमने? नहीं भाई कुछ नहीं हुआ, वो बस मैं हल्दी का डब्बा था ना वो खोल रही थी तो ऊपर गिर गया मेरे, और कुछ नहीं। आप मामा आप लोग आने से पहले बता देते। आओ बेटा। अरे अरे बैठ जाएं, सब आराम से बैठे, खड़े खड़े बात तो नहीं करेंगे, बैठ बैठो बेटा। भाभी जान आजकल के बच्चे सुनते कहाँ हैं, बस इसे पता चल गया कि मैं तो परहेजी खाना खाती हूँ, इसने तो जिद लगा ली कि नहीं आपके लिए खाना मैं ही बनाऊंगी। मैंने बहुत समझाया कि नहीं बेटा पहले मीठे में हाथ डालेंगे उसके बाद किचन का रुख करना, लेकिन नहीं ये तो मेरी बात मानी नहीं। माशाल्लाह बहुत बहुत अच्छी बच्ची है ये। जी भाभी आप ठीक कह रही हैं, जिम्मेदारियों का एहसास लड़कियों को जितनी जल्दी हो जाए अच्छा है। हाँ हमारी बेटी सबका बहुत ख्याल रखने वाली। माशाल्लाह माशाल्लाह। रूमी बेटा जाओ जाओ जाकर हाथ मुंह धोकर कपड़े चेंज करके आओ, जाओ शाबाश। बस बेटा उससे रहा नहीं गया, मैं खुद ही आ गई। आओ मेरे पास बैठो। जी बैठे। बेटा ये तुम्हारा कमरा इतना बिखरा हुआ क्यों है? अरे मामा क्या कह रही है, रहने दे हसीना आएगी अभी तो कर देगी। नहीं बेटा कुछ काम खुद के करने के होते हैं, और खास तौर से ससुराल में इन्हीं छोटी छोटी बातों से तो पता चलता है कि बहू कितनी सलीकेमंद है। और मासी से सिर्फ सफाई कराया करो, तो कमरे की देखभाल तो तुम्हें खुद करनी चाहिए बेटा। बिल्कुल ठीक कह रही है मामा, आई एम सॉरी, मैं पक्का इनका ख्याल रखूंगी। जीती रहो खुश रहो आबाद रहो। अच्छा सब छोड़े ना मुझे ये बताएं सब घर पे कैसे हैं?
अरसल भाई और अहमद को क्यों नहीं लाए आप साथ? घर में सब खैरियत है। अरसल को तो ऑफिस से छुट्टी नहीं मिली और अहमद स्कूल में। हम तो छुप कर आए, अगर उसे पता चल जाता ना कि हम तुम्हारी तरफ आ रहे हैं तो जिद पकड़ लेता आने की। बहुत याद आता है अहमद। सिर्फ अहमद ही क्या, आप सब लोग ही मामा बहुत याद आते हैं। क्यों उदास होती हो बेटा? एक बात बताओ, तुम यहां खुश हो ना? जी मामा, बहुत खुश हूं मैं। अच्छा ये बताओ कि असद और उसके घर वालों का रवैया कैसा है तुम्हारे साथ? असद तो बहुत अच्छे हैं मामा, बहुत मोहब्बत करते हैं। बाकी घर वाले भी बहुत अच्छे हैं। और आपको पता है अंकल तो बिल्कुल मुझे ऐसे सपोर्ट करते हैं जिस तरह बाबा घर पे किया करते थे। अल्हम्दुलिल्लाह। बस बेटा इन सबकी मोहब्बतों का जवाब ना मोहब्बत से देना। मुझे पता है मेरी बेटी बहुत समझदार है, लेकिन बेटा कभी कभी समझदारी से ज्यादा बर्दाश्त रिश्तों को मजबूत करती है और दूसरों को अपना बनाने के लिए छोटी छोटी बातों को दरगुजर कर दिया करो, दिल बड़ा कर दिया करो। मामा पता है ना मैं आपकी बेटी हूं, ये सब्र तहमुल ये सारी चीजें आप ही से तो मिली है मुझे। और ये बात सुने आप, मेरे लिए बिल्कुल परेशान मत हुआ करें, बिल्कुल मायूस ना हुआ करें, बिल्कुल ठीक हूँ। अब मैं जानती हूँ मेरी बेटी कभी कोई ऐसा काम नहीं करेगी जिससे हमें नदामत का सामना करना पड़े। बस चलो बाहर चलते हैं, हारिस और बाबा तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। जी आ जाओ। चल चल मुझे अभी तक ये सोच सोच के हंसी आ रही है रूमी के घर वालों के गुड़कर उसे हल्दी नहाया देखकर। तो किसी ने कुछ कहा नहीं? बेचारे क्या कहते हैं, उनके पास क्या बचा था कुछ कहने को, बस उनके फेस एक्सप्रेशन बता रहे थे कि थोड़ी मायूसी हुई है। मायूसी कैसी? जाहिर है वो सोच रहे होंगे कि हम अपनी बेटी को इतने बड़े घर में ब्याह रहे हैं तो उसकी तो किस्मत खुल जाएगी। लेकिन इस तरह मुलाजमा की हालत में देखकर उन्हें एहसास हो गया है कि उसकी किस्मत खुली नहीं है बल्कि बेचारी की किस्मत फूट गई है।